वेतन विसंगति सहित अपनी 5 सूत्रीय मांग को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कर्मचारी संघ का धरना जारी रहा। गुरुवार को धरने पर बैठे NHM संविदा कर्मियों ने चेतावनी दिया कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम इमरजेंसी सेवाओं को ठप कर देंगे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK तिवारी ने कहा कि हड़ताल की सूचना हमें मिली है, इनकी हड़ताल नो वर्क नो पे मैंने कर दिया है, आगे स्टेप मेरा ये होगा कि हम इन्हें निकाल देंगे। हमारा जो कार्य प्रभावित हो रहा है वो केवल लिखा पढ़ी और फाइनेंशियल बनाने का है। भारत सरकार प्रदेश सरकार की वेबसाइट पर लोड करने का फीड करने का केवल वो थोड़ा प्रभावित हो रहा है, जनता को हड़ताल से कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इस अवसर पर हड़ताल में भारी संख्या में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के चिकित्सक JSY से जुड़ी स्टाफ नर्स NNM और अन्य संविदा कर्मी शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए डॉक्टर विनय कुमार सिंह और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SK तिवारी ने कहा हमारी मांगे चाहे जो जिंदाबाद आवाज हो, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, क्या है जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, क्या है जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। संविदा कर्मी जिंदाबाद, 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 संविदा कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। डॉक्टर विनय कुमार सिंह, चौथा दिन है, हमारी 5 मेन मांगी हैं। पहला है समान कार्य और समान वेतन विशिष्ट सेवा नीति से, दूसरा आउटसोर्सिंग ठेका प्रथा को रोक लगाया जाए, तीसरा संविदा कर्मचारियों का स्थायी समायोजन और नया पद सृजन किया जाए, चौथा आशा का न्यूनतम वेतन 10,000 माना जाए और RBS के ऐप में सुधार लाया जाए। अगर ये मांगे नहीं पूरी होती हैं तो कल से हम इमरजेंसी सेवा ठप कर देंगे और हर जगह हम बैठ के हर ब्लॉकों पे अपना सारी सेवाओं को समाप्त करेंगे, कोई भी इमरजेंसी कार्य नहीं करने देंगे। ये जो संविदा कर्मचारी हमारे हैं मिशन से अपॉइंटेड, ये 2-3 दिनों से हड़ताल पे हैं, इसकी सूचना भी इन्होंने हमें दिया था, लेकिन इनकी हड़ताल नो वर्क नो पे मैंने कर दिया है और आगे का स्टेप मेरा ये होगा कि इनको हम निकाल देंगे, क्योंकि इन्होंने जब हमारे साथ संविदा पे आए थे और इन्होंने अनुबंध साइन किया था तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ना हम परमानेंट होने की मांग करेंगे, ना हम कोई कोर्ट केस करेंगे और ना ही कोई हड़ताल पे जाएंगे। उसके बावजूद भी ये जा रहे हैं। इन्होंने दलील ये दिया कि हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी ने कहा है इसलिए हम अपनी ब्रांचेज में हड़ताल कर रहे हैं, तो ये उस परिप्रेक्ष्य में कर रहे हैं कि जितने दिन ये काम नहीं कर रहे हैं वो तो इनको सैलरी हम नहीं देंगे। आगे की कार्यवाही जैसे उत्तर प्रदेश में चलेगी और जगहों पे या ऊपर से दिशा निर्देश आएगा वैसा किया जाएगा। इनके जाने से, हड़ताल पे जाने से सेवाएं बाधित नहीं हैं, एक आध दो जगह थोड़ी सी समस्या आई थी कि डिलीवरी केसेस नहीं हो रहे थे, वहाँ पे हमने परमानेंट हमारे जो एम्प्लॉई हैं उनकी इस तरह से व्यवस्था कर दी है कि डिलीवरी सामान्य रूप से होती रहेगी। वैक्सीनेशन का मुझे अखबार में पढ़ने को मिला है कि वैक्सीनेशन प्रभावित हुआ, वो कतई प्रभावित नहीं होता क्योंकि वैक्सीनेशन का कार्य ANM करती है जो परमानेंट एम्प्लॉई है और उसमें किसी भी संविदा कर्मचारी के कोई योगदान नहीं रहता, केवल आशा बुलावा टोली में रहती है जो बुला के बच्चों को ला के लगवाती है, वो हमारी आंगनबाड़ियाँ कर देती हैं, तो इसलिए हमारा कोई कार्य प्रभावित नहीं है। हमारा जो कार्य प्रभावित हो रहा है वो केवल लेखा पढ़ी का और जो फाइनेंशियल बनाने का और उसको लोड करने का, उसको फीड करने का हमारे सरकार की वेबसाइट पे उत्तर प्रदेश की सर पर, केवल वो थोड़ा सा प्रभावित हो रहा है, जनता को इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। इमरजेंसी सेवा ठप करने की चाहिए, इमरजेंसी सेवा ये करते ही नहीं है, इसलिए इमरजेंसी सेवाएं ये ठप नहीं कर सकते। केवल जो संविदा पे अपॉइंटेड हमारी स्टाफ नर्सेज हैं वो डिलीवरी का कार्य करती हैं जो कि 24 आवर्स एक इमरजेंसी होती है, लेकिन तमाम जगहों पे CSCs PSCs पे हमारी परमानेंट एम्प्लॉई स्टाफ नर्सेज मौजूद हैं, इसलिए वो डिलीवरी का कार्य करेंगी। एक दो जगह जहाँ कमी थी वो हम अगल बगल से पूरा कर दिए।